महंगाई तो है, लेकिन इतने महंगाई कोई ज्यादा नहीं तो है, लेकिन योगी जी कोई दिक्कत नहीं, योगी जी है कोई सब देख लेगा जी। पदम सिंह जी तो योगी जी की कसम खाने को तैयार नहीं भाई साहब, अधिकारियों से दिक्कत है। अधिकारियों दिक्कत है, योगी जी तो बढ़िया है, जो लड़की भी है 2 बजे तो ला लो 10 बजे ला लो, आजाद है सब, संतुष्ट है। एक है मोटारा जुआन पे किसान पे दान दे लो, इसी सरकार आने की नहीं, ये तो नुमाइंड के चलो टेलर ही ला लो, और वीरेंद्र सिंह की अनुमति होती तो और पूरा काम हो जाएगा, ये तो हमारे मालिक है, हमारे माँ बाप है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9, अभी कंडेला में है और यहाँ पर महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत में लोग पहुँच भी रहे हैं। आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन को कहूँगा चारों तरफ की जो भीड़ है यहाँ पर उसको दिखाइएगा कि वो भीड़ यहाँ पर कैसी है। हालांकि उधर से आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में साथ में लोग अपना झंडा लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो पंचायत जिस चीज़ के लिए हुई थी उनका यहाँ से तबादला हो चुका है, जो बिजली अधिकारी विद्युत अधिकारी हैं उनका तबादला कल शाम ही यहाँ से हो चुका है। एक का मेरठ हुआ है तो दूसरे का दूसरी जगह पर हो चुका है, अमरोहा में हो चुका है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लोग अपनी बात रखेंगे और लोगों ने जो कुछ कहना है या सरकार से नाराज़गी है जिन चीज़ों को लेकर, वो सारी चीज़ लोग यहाँ पर पहुँच कर कह रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है जी? बात नाम तो मेहताब है जी। कौन सा गांव है आपका? अकबरपुर सुनेटी। अच्छा, क्या लगता है कि जो इस तरह की ये चल रही है बिजली अधिकारियों की जो पंचायत आज हुई है, क्या सरकार लगातार इस एरिया को टारगेट कर रही है क्या? नहीं, देखो बिजली विभाग वाले जो भी उनकी शिकायत है, जो भी समस्या है, उसको लेके ही ये पंचायत हुई है और इस पंचायत के माध्यम से यूँ बता रहे कि जिसकी जो शिकायत हो उसको दूर करे, ख़त्म करे, और हमारे बड़े बहुत सारे हैं वो इसका सारा निर्णय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सारा निर्णय वो करेंगे। आपका क्या नाम है? इनाम। आपको क्या लगता है जो ये बिजली विभाग की लगातार लोगों के ऊपर जबरदस्त नहीं बोलना चाह रहे? आपका क्या नाम है? अर्शद है जी। आप कहाँ से आए? जंदेड़ी। आपको क्या लगता है जो ये पंचायत हो रही है इसके बाद क्या असर रहेगा? देखो जी, पंचायत होने जो पंचायत निर्णय लेगी उसके बाद में देखो जी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी कोई सोल्यूशन नहीं है जी, इसके बाद में देखो पंचायत के बाद में क्या होगा क्या नहीं होता। आपका क्या नाम है जी? पदम सिंह। कौन से गांव? बुच्चाखेड़ी। बुच्चाखेड़ी से आए। क्या लगता है कि कुछ लोगों का मानना है लगातार जो शामली जिला है और खासकर गुजरों को जो लगातार टारगेट किया जा रहा है, 90% लगभग वोट भी दिया आपने भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद भी आप लोगों को लपेट रहे हैं ऐसा लगता है? लपेट भी रहे, जो बिजली वाला अभियान है यूं ही गलत है। इतने बड़ी दिल में बड़ी टीम आवे 10-10 की, एक का खा देगी नहीं, 10-10 की टीम आवे, 10-10 लोगों की टीम। हाँ जी हाँ, यही परेशानी है नहीं, सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया नंबर एक। अच्छा, जो लड़की भी है 2 बजे दौड़ ला लो 10 बजे ला लो, आजाद है सब, संतुष्ट हैं। एक है मोटारा जुआन पे किसान पे दान दे लो, इसी सरकार आने की नहीं, योगी जी से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं तो यू ही है, बिजली वालों का है जो कुछ है, बिजली वालों को जो कुछ हो रहा है, सरकार का कोई दिक्कत नहीं है सरकार से कोई ना। ये बिजली वाले कर रहे हैं बरान, ये परमिट क्यों करवाते हैं बिजली वाले जी? मैं यहाँ बिल लेना है, ये नु तो कहेगा इनका परमिट होना चाहिए जी, तो बिल दे सके, जब पढ़ाई का भी है, बीमारी का भी है, सारा देखना पड़ेगा, खास कारण है, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं दूसरा धंधा, यू ही है वह खेती पर निर्भर है और कहाँ इस पर वो है। बिल क्या हमें 500-1000 रुपये कहाँ दे दा गरीब आदमी है, कुछ उसका खेत का देगा घर का देगा, उसका जब कदम नफा लगा क्या करेगा? युवा न रोजगार से है, किसान न आराम से है, सरकार अफसर कर रहे हैं जो गड़बड़ करे, घोटाला करे, इन करे। मान मंत्री जी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ तनबंधन तैयार, हम इसकी गेल है 36 बिरादरी साथ में है। हाँ जी, तनबंधन तक गेल है। योगी जी से कोई नाराज नहीं? कोई नाराज नहीं। भाजपा से कोई नाराज नहीं? जो भ्रष्टाचार है बिजली विभाग का यहाँ तो तंग है, मगर यहाँ तो तंग है यहाँ पे तो मैं जब आया कुछ यूँ नहीं है। पढ़ाया मैं 2 बजे दौड़ ला लो 10 बजे ला लो, सब आराम तरह है, सब संतुष्ट है, सब भाई दिक्कत नहीं है। जो पहले में भर्ती हुई बहुत बढ़िया भर्ती हुई, निष्पक्ष भर्ती करी योगी जी ने, मान्य प्रधानमंत्री ने बढ़िया भर्ती हुई। अरे फिर मरा भर्ती हो ध्यान दे लो, यू जो युवा है यू अपना माल लिपट जा सरकार में अपना मोदी मोदी। विपक्ष तो सोच रहा था चलिए मजा आ गया पंचायत मिल गई फ्री की सरकार के खिलाफ यूज कर, नहीं मजा नहीं हुआ, हम तो तनबंधन तक गेल है, फिर भी भ्रष्टाचार है, बिजली वाला है 500 रुपये कहाँ से ले लेंगे हम गरीब आदमी, किसी का 4 जाकत है फटा के देख लो कौन फटा लगा। एक जाकत की फीस 1000 रुपये तक कम नहीं। पदम सिंह जी, आपने तो विपक्ष के सपनों पे पानी फेर दिया, हम तो सोच कर आए थे सरकार का विरोध होगा, ये तो नुमाइंड के चलो टेलर ही ला लो, और वीरेंद्र सिंह की अनुमति होती तो और पूरा काम हो जाएगा,
ये तो हमारे मालिक है, हमारे माँ बाप है। तबादला तो हो गया अफसरों का और ये दबा गया, सपोर्ट हो जाएगा। ये अधिकारी भी तो दबाने हैं, दूसरा होगा वो भी तो बयान ना करे। महिला का कोई नया हुआ है वो भी ऐसा ही करा जाएगा। फायदा किया तबादले का, मतलब सही होना चाहिए इस सिस्टम का। मैं थोड़ा एक बार घरों में बैठे महिला मीटर बाहर लग रहा तो बाहरी तो देख सका है वो। अगर अंदर मकान में घुसने का उन्हें अधिकार है या परमिशन ले रखे बा मैं भीतर जाऊँगा। भीतर लेडीज भी है, लड़की भी है, कोई नहरी धोरी अलग अलग नो थोड़ा ही सबका बाथरूम थोड़ा ही है। एक आधा भी तो देखता दस दस की टीम आवे ये सब तो ना आदमी ये सब मैं चोरी करूँ। दिल में भी तो अधिकारी यही रहे हैं, दफ्तरों में रहे हैं, दिल में मारो छप्पे, दिल में क्यों मारते हर गाय टीम क्यों मारे। जैसा मैं यही चोरी कर रहा दिन में आओ मेरे दौरे, मेरी चोरी दिन में पकड़ो, मेरे खिलाफ करो। नहीं पदम सिंह जी, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कुछ यूनियन के लोग भी थे, टोपी वाले लोग, यूनियन के हरी और सफेद टोपी वाले, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये तो आप पंचायत थोड़ा सा सरकार के विपक्ष में चली गई है। ये तो छत्तीस बिरादरी की पंचायत है, छत्तीस बिरादरी की बिजली विभाग के खिलाफ पंचायत है। अच्छा, और सरकार के खिलाफ कोई पंचायत, सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही होगी जी। छत्तीस बिरादरी सरकार आराम तरह रे, सब भाई था भाई कंधा था कंधा मिलाकर रे भाई। योगी जी बढ़िया चला रहे, बढ़िया चला रहे। दिक्कत जो बिजली कर्मचारी भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार होता है सब तो बड़ी है दिक्कत पेमेंट की। ये अधिकारी तो करे गड़बड़, अधिकारी गड़बड़ करे, अधिकारी शायद हो जाए। पदम सिंह जी तो योगी जी की कसम खाने को तैयार नहीं भाई साहब, अधिकारियों से दिक्कत है, अधिकारियों दिक्कत है, योगी जी तो बढ़िया है। शासन प्रशासन दोनों, इतनी महंगाई हो रही और ये सब हो रहा है। महंगाई तो हो रही, जैसा बिजली फैले दो घंटे आवधि, बिजली 18 घंटे आवर आम तो मारा ही है। मारी दी बेटी है तो फैरिंग पड़ जाए वाली कहाँ जाते, छह महीने हो गए कितनी गर्मी हो रही है। अच्छा, कैट लगता कोई इस गर्मी ने 18 घंटे बिजली आ रही, कितना सुकून है। मारा दी बेटी में पढ़ लो, पढ़ाई भी ना कहाँ के जगह। राशन भी बंद कर दिया जो फ्री का मिलता था, वो फ्री का नहीं, वो तो बतेरी सेवा करीब तो हम भी कमाओगे तो बंद गए लाएंगे हम कहाँ भागन वाले हैं। उस पर गेरी हो कहीं खिलाफ प्रदर्शन जरूर है लेकिन योगी जी की कसम खाने को तैयार नहीं भाई साहब। क्या मामला क्या है, योगी जी से अलग नहीं भाई? अधिकारी जो है अधिकारी गड़बड़ करे, युवा ये किसान और जवान इनके दोनों की जब सरकार ध्यान कर लो कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे जवान को चल रहा हो और किसान को चल रहा हो। हम तो सोचे थे कि ये पंचायत जो होगी 2024 का आगाज होगी और यहीं से 24 में कहीं ना कहीं भाजपा की खिलाफत बनती जाएगी। ये तो हम अपना अपन बना रहे, छत्तीस बिरादरी अपना इकट्ठी हो जाएगी सारे, सपा बसपा सब है, सब है, सब है, सारी पार्टियां छत्तीस बिरादरी से है। ये तो सरकार का विरोध नहीं, नहीं नहीं सरकार आपका कोई विरोध। आजाद चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, खंगाव खंदरावली है मेरा, मैं हिंदू केसरिया वाहनी से हूँ, मानवाधिकार से लखनऊ जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये इसमें चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो छत्तीस बिरादरी की पंचायत है, शासन प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। जब ऊपर तक बात नहीं जाएगी तो वो लोग समझेंगे कैसे, अब अंकुश लगेगा। ये केवल बिजली विभाग नहीं, हर महकमा ही ऐसा कर रहा है। आप पुलिस से कोई नाराज नहीं है, बीजेपी से क्या नाराजगी है? कोई दिक्कत नहीं, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके संज्ञान में मामला जाएगा, अधिकारियों को रात ही ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सरकार से जी। लेकिन जो अपने ये अधिकारी छोटे मोटे मनमानी कर रहे हैं वो सुल्ली करते हैं अवैध, उसका विरोध है जी, वो बर्दाश्त नहीं होगा। नाम है आपका? अंकित चौहान। चौहान साहब, महंगाई नहीं दिख रही आपको? महंगाई तो है लेकिन इतने कोई महंगाई कोई ज्यादा नहीं तो है, लेकिन योगी जी कोई दिक्कत नहीं, योगी जी है कोई सब देख लेगा जी। नहीं मुद्दे महंगाई नहीं जी, महंगाई का भी है, महंगाई भी कम करनी पड़ेगी। अच्छा, जो परमिट है फीस है वो टाइम पे दे जाओ, हम तो तेरे मार सकते तेरे कुछ भी, हम तो धर्म के काम है जी। आप मान रहे हैं आप फिर बीजेपी को दे देते हैं? है जी, आप तो मानते नहीं है। फिर ही नहीं घेर रहेगा माल जी, नो बताओ किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था। हाँ, उससे पहले किसको दिया था? उससे दे रखे जी, उससे पहले भी, पहले भी, उससे आपके फिर दे दे जी। तो कांग्रेस थी जी, ठीक थी जी, ना डरते में तैयार दिया इस सरकार ने, तो आगे भी सही देंगे बीजेपी को। हाँ, बीजेपी का नाम सोनू कुमार भाई साहब। संज्ञान ले सरकार, अगर सही रहेगी तो 24 में भी इनको, हाँ 24 में भी इनको ही देंगे। अगर जब अगर मेरी बात पर ध्यान देंगे तो हम वोट भी नहीं देंगे, सपोर्ट भी देंगे। अच्छा, अनिया छत्तीस बिरादरी है, फिर सरकार बदलने में क्या दिक्कत आएगी? बदलना तो नीचे, आपकी बातों से तो नहीं लग रहा आप बदलना चाहते। देखो, बात पहुंचाना, एक आदमी के पास तक बात पहुंचाना, हम पीड़ित है, हम इस चीज से परेशान है, बात जाएगी तभी तो वो संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेंगे उस पर कोई एक्शन लेंगे, अगर नहीं एक्शन लेंगे तो दूसरी सरकार बन जाएगी। छत्तीस बिरादरी बैठी है तो खुद सरकार है, सरकार गिराने में बनाने में क्या दिक्कत है? ये लोग ही तो बनाते हैं। अगर वो संज्ञान नहीं लेंगे, केवल बिजली विभाग का नहीं है, शासन प्रशासन दोनों के खिलाफ है, हर अधिकारी मनमानी कर रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अब वो देखेंगे तो यह पंचायत क्यों हुई,
36 बिरादरी एक मंच पे क्यों आई? संदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। अगर वो संज्ञान लेंगे तो ठीक है, संज्ञान तो ले लिया, कल ही तबादला हो गया। तबादले से क्या है, तबादला क्या हो गया, वो तो कहीं और नौकरी करेगा दूसरी जगह, फिर पंचायत करनी पड़ेगी हमें। अच्छा। उसे घर बिठाओ ना। अच्छा, टर्मिनेशन चाहते हैं, टर्मिनेशन चाहते हैं भैया। आप दूसरी जगह जहां वो जाएगा वो वही गड़बड़ करेगा। अच्छा। फिर यहां पंचायत करी, फिर वहां करेंगे, हम उसके पीछे फिरेंगे क्या पंचायत करते? अच्छा, तो ऐसा मौका ही ना दो उसे, उसे घर बिठाओ, दूसरे अधिकारी को भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर से संतुष्टि नहीं है, ट्रांसफर इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। अधिकारी ने गड़बड़ करी भाई, यहाँ तो भेज दो दूसरी जगह, तो वहां भी मड़ाई काटेगा, क्यों काटेगा, उसे घर बिठाओ, उसकी जांच, युवा लड़कों की भर्ती करो, और लड़के बहुत हैं भाई, उसकी जांच कराओ, गलती किसकी है। 7,000 का बिल मेरा आ रहा घर का, ना एसी है, ना वॉशिंग मशीन है, एक साधारण परिवार है, 2-4 पंखे लाइटें, 7,000 का बिल मेरे पास है। जिस एसडीओ का ट्रांसफर हुआ उसी एसडीओ के पास मैं 10 बार जा चुका, प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई। कह रहे अब की बार भर दो, आगे से देख लेंगे, ये कौन सी बात हुई भाई, 7,000 घर का, कोई फैक्ट्री नहीं चला रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार बोलबाला है, पूरा बोलबाला पूरा है। इस पर क्षेत्रीय नेताओं ने भी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक्शन लेना चाहिए, और लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार बढ़िया है, अरे ये बात पिछली योजना की सरकार की, मैं बुच्चा खेड़ी तो हूँ डॉक्टर पदम सिंह, एक लड़की मेरा, दो लड़के, लड़की मेरी ऊपी फिल मीठा हुआ ड्यूटी करनी। अच्छा। एक लड़का है BSM है त्रिपुरा। अच्छा, एक लड़का मेरा मथुरा है PFC में। अच्छा। तीनों लड़के, परिवार सेवा कर रहा है उत्तर प्रदेश परिवार। और जो लड़की की शादी कर रखी मुझे, वो भी बैंक मैनेजर है मुजफ्फरनगर में आज फिलहाल। जो सरकार रही तो सरकार तो बढ़िया रही, भ्रष्टाचार तो जुड़िया ही कहीं डायन का, पहली जो योजना हुई ठीक ठाक रही, जो ये बिजली लालों का महकमा दे 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 ना रात दिन सोन के ना दिन में सोन के, कहाँ दे लावे रुपये, कहाँ दे रहे रुपये, गरीब आदमी बड़ा टेम खटिया कि पढ़ाई क्या खटिया। सुनिए, यहाँ पर आप सब लोग खड़े हैं, किसी को कोई ऐसा भी है जिसको योगी जी से दिक्कत है? योगी जी से किसी को दिक्कत नहीं है? प्रधानमंत्री से किसी को दिक्कत है? प्रधानमंत्री से भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 में भी प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? बना देंगे, अगर संज्ञान लिया गया। 70 साल लो योगी और मोदी रहे, 70 साल तक। हाँ, 2000 साल। हाँ जी, अरे विपक्ष तो सपना सजोए बैठ गया था कि भैया अब की बार यहाँ पर खूंटा गाड़ देंगे और शामली से स्टार्ट होगा। नहीं, 2070 लो मोदी योगी रहे, इसके अलावा कोई नहीं। एक ताऊ जी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं गाँव भिंड का हूँ। बताइए बताइए। प्रशासन इतना गंदा हो रहा है, अधिकारी गंदे हो रहे, प्रशासन सही है, उनके आदेश नहीं मानते। अगर मुख्यमंत्री का भी आदेश आवे तो एक दरोगा भी क्या कहा होगा, मेरे पे चाहे SP का लिया, चाहे प्रधानमंत्री का लिया। अच्छा, कोई अधिकारी मनमानी करे सर। पुलिस का प्रशासन इतना गंदा हो गया, लड़कियों का केस लगाना, उल्टे सुलटे फंसाना, कट्टे हाथ में देगा, बच्चे जेल भेजना, योग्य बच्चे खराब कर दिए उन्होंने, प्रशासन ने कर दिया, अधिकारियों ने। हाँ, SP साहब के पास जा लिए, DM पे जा लिए, मुख्यमंत्री पे हम जा लिए, उनके कहें दरोगा कहते हैं हमारे से, गौतम जी फलाने जी, अब कहीं भी रिपोर्ट दोगे आनी मारे पे है, करना हमें ही है, पटवारी विदार रात रोक दे तो कहीं तो लिया आना, राजस्व विभाग में पटवारी भाई है, एक दरोगा तुझ आदमी जो मेरे 3 परिवार के बच्चों को खराब करेगा और जो जेल पड़े, मुझे पूरा दुख है, पूरा सारे समाज में खोया और पढ़ाए लिखाए और उनकी योग्यता खत्म कर दी उन्होंने, गैंगस्टर बना दिए। 2000 रुपए रेट अधिकारियों ने ज्यादा मामला खराब कर दिया, अधिकारियों का आदेश तो हो जाए, निश्चल नहीं मानते अधिकारी पदे तो कोई नहीं छोड़ रहा हो, मान नहीं रहे सरकार की, अधिकारी आदेश कर दिया, जाते ही नहीं मौके में चक्कर कतलेआम हो जाओ। मैं कल तहसील में भी यही बात कही, मगर अब जिंदगी तो खबर नहीं, मरी खबर लोगे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, DM के पास जा लिया, मुख्यमंत्री से जा लिया, सुनवाई नहीं हो रही है, निचले नहीं कर रहे, दरोगा आया, पटवारी आया, निचला स्टाफ खराब है, ऊपर तक पैसे बढ़ते होंगे इसलिए खराब है, बड़े अधिकारी आदेश कर रहे हैं तो निचलों का क्या काम है, सुनवाई करना उनको, कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है। पंचायत तो ठीक होगी, आज जो पंचायत है तो हमारा टेलर है, टेलर और फिली फिल्म तो फिर दिखा देंगे, फिर बाद भी कुछ बचा है क्या पता, जो गड़बड़ होगी वह फिर होगा, फालतू टेलर लिखा, हाँ फालतू फालतू पढ़ते जाएंगे, संदेश दे रहे हम, कमजोर नहीं पड़ेंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हट नहीं। अरे कुछ लोगों का मानना है कि ये जो गुजर एरिया है इसको कुछ ज्यादा टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर अधिकारी, गुजरने का छोड़ो तड़ा मानना, हम तो सबसे नीचे जा रहे हैं और हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही, तो 36 बिरादरी का एरिया, यू 36 बिरादरी का
गुजरो गुजरो का ना मन में से सबकी लड़ाई है जी, ये तो सबके साथ सबके साथ हो रहा है जी, कोई गुज्जर हो कश्यप हो कोई भी हो जी, सबके साथ है। लेकिन जो भी ऐसे मन मन नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज पंचायत में निर्णय होगा इसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो भी कुछ अगर देखी जाएगी विरोध होगा पूरे प्रदेश में होगा। प्रदेश में मेरी माँ है बूढ़ी, पूरे 99 साल की, उसे तहसील में और थाने में चक्कर काटने पड़े, क्या जुलम कर रखा उसने, 100 साल की हो गए। मेरे बड़े भाई की 82 साल उम्र है, मेरी 70 साल उम्र है, मेरी चलने बैठने की हालत नहीं है, हरपीज का बीमार हूँ। जय हाथ जोड़े और चले हुए दरखास्त लगा हुए नु गए एक बुक की दरखास्त की करती इकट्ठी थाना में, क्या नियम है एक एक दरखास्त पर हमने आजाद दूंगा मैं, मुझे बुग्गी बताने लगे बुग्गी इकट्ठी कर दे, मैं टोली भी इकट्ठी कर दूंगा, कानून के खिलाफ नहीं जाने का, मैं एक्शन नहीं ले रहे, निचर को दबाते नहीं, उसे एक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अफसर तो आदेश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे निचर वाले, मैं तो भरे बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इनको निचे से ऊपर तक एक सर रखा सबका बराबर होना चाहिए, सही बात है। और सब यहाँ पर कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग प्रशासन से नाराज है, सरकार से खुश है, सरकार तो खुश है, भ्रष्टाचार से नाराज है, देखिए भाई साहब सरकार से खुश है लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं वो खराब कर रहे हैं काम, उनसे नाराज है। अब तक के लिए इतना ही, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हिंदुस्तान 9, जय हिंद।